सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो और दुआएं सबसे पहले। मेरी दुआ है कि आप, आपके घर वाले, आपके दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार सदा सलामत रहे और हंसते मुस्कुराते रहे, आमीन। तो चलो दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। कौमी टीम के ओपनर इमाम उलग ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में वो कारनामा कर दिखाया है जो इनसे कबल कोई और पाकिस्तानी बल्लेबाज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इनके होम ग्राउंड पर नहीं कर पाया था। इमाम उलग ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 5 वनडे मैचेस की सीरीज में 54.2 की औसत से 271 रन स्कोर किए हैं, जिनमें 1 सेंचुरी और 2 सेंचुरियां शामिल थी। ये किसी भी पाकिस्तानी बल्लेबाज की जानिब से जनूबी अफ्रीका सरजमीन पर 1 इनिंग्स में स्कोर किए गए मजमूई रन की सबसे बड़ी तादाद थी। इससे कबल कौमी टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने 2007 में जनूबी अफ्रीका सरजमीन पर 245 रन स्कोर किए थे। ये किसी भी पाकिस्तानी बल्लेबाज की जानिब से होम अवे या न्यूट्रल मकाम पर 1 सीरीज में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ स्कोर किए गए रन की सबसे बड़ी तादाद थी। मोहम्मद यूसुफ ने 2007 में जनूबी अफ्रीका के दौरे पाकिस्तान के दौरान सीरीज में 286 रन स्कोर किए थे। याद रहे कि इमाम उलग को किसी भी पाकिस्तानी बल्लेबाज की जानिब से जनूबी अफ्रीका में 1 बाईमी वनडे सीरीज के दौरान ज्यादा 50+ स्कोर करने का एजाज भी हासिल है। अब तक 117 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जनूबी अफ्रीका मैदानों पर वनडे सीरीज खेलने का मौका मिला है, ताहम इनमें से कोई भी वहां 1 सीरीज में 2 से ज्यादा मरतबा 50+ स्कोर नहीं बना सका। प्रोटीज के देश में 1 वनडे सीरीज में 2 50+ स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी महज 4 पाकिस्तानी बल्लेबाजों मिसबाउल हक, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद हफीज और इजाज अहमद के पास है। तो दोस्तों ये थी इमाम उलग के शानदार रिकॉर्ड के हवाले से कुछ अपडेट। उम्मीद करता आपको पसंद आई होगी। इस अपडेट के मुताबिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अब्दुल्ला स्पोर्ट अपडेट को और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाइए। मेरी दुआ है कि मेरी, आपकी और हम सब की हर जायज मुराद पूरी हो। मेरी न्यू वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह ही हाफिज और निगहबान हो। आमीन। वीडियो देखने का शुक्रिया।